हाय फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आर्यन देवांगन और हम सीख चुके हैं कॉन्सोनेंट और वॉवेल किस तरीके से उपयोग होता है। अब हम उनको जोड़ना सीखेंगे, तो बारी बारी करके सीखेंगे कॉन्सोनेंट प्लस वॉवेल और उसके बाद अगली वीडियो में वॉवेल प्लस कॉन्सोनेंट, है ना। इस तरीके से हम वर्ड्स को पढ़ना सीखेंगे, प्रोनाउंसिएशन करना सीखेंगे और धीरे धीरे करके अपना वोकेबुलरी भी स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं। कॉन्सोनेंट्स प्लस वॉवेल्स, हमको कॉन्सोनेंट में वॉवेल्स को जोड़ना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब वॉवेल हमारे पास, कॉन्सोनेंट हमारे पास पूरे 21 है और वॉवेल 5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि वॉवेल को ले लेते हैं। वॉवेल हमारे पास 5 ए ई आई ओ एंड यू, इनको बारी बारी से एक एक कॉन्सोनेंट के साथ लेते जाएंगे और प्रोनाउंस करते जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये बी और उसके बाद ए, तो हमको मालूम है ये ब साउंड करता है और ये मात्रा लगाता है ए का, तो ये हो जाएगा बै, ठीक है। इसी तरीके से ये सी ए, ये साउंड करता है हमको मालूम है क का और ये ए का, तो ये हो जाएगा कै। आगे ये डी है और ये ए, ये ड की साउंड करता है, ये ए की साउंड करता है, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ड। तो इसी तरीके से सारे कॉन्सोनेंट्स को हम प्रोनाउंस करेंगे ए के साथ। चलिए करते हैं। ये मेरे पास रेडी में लिखा हुआ भी है, तो चलिए प्रोनाउंस करते हैं, आप भी मेरे साथ प्रोनाउंस करते जाइएगा। बै, कै, ड, फै, गै, है, जय, कै, प्रोनाउंस करिए साथ में, तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ल, मैं, न, पै, कै, र, स, ट, व, स, य, ज। इस वीडियो को बार 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 रिपीट करके आपको प्रोनाउंस करना है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप जितनी अच्छे से करेंगे उतना अच्छा इंग्लिश, उतना फ्लुएंटली इंग्लिश बोल पाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अगला साउंड पर पहुँचे, साउंड ई, वॉवेल ई। यह हम लिखे बी और ई। ई कैसा साउंड करता है, ए का साउंड करता है, तो ये हम देखेंगे बी ब का साउंड करता है और ये ए की मात्रा लगाता है या ए का साउंड करता है, तो ये हो जाएगा बे। उसके बाद ये सी ई, तो ये इसके बाद हमने देखे थे कि अगर ई आई या वाई आए तो स जो एस सॉरी सी जो है स की तरह काम करेगा, तो ये हो जाएगा स, उसमें ए की मात्रा लगा, क्या हो गया से। ये डे, ये फे, ठीक है फ्रेंड्स। इसको भी हम उसी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे जैसा ए को प्रैक्टिस किए। चलिए साथ में बोलते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है साथ में बोलना। बे, से, डे, साथ में बोलिए। फे, गे, हे, के, ले, मे, ने, पे, के, रे, से, टे, वे, वे, से, ये, जे, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ें, कॉन्सोनेंट प्लस आई की ओर। आई, आई ये कैसा साउंड करता है, जोर से बोलिए, नहीं सुनाया यार, और जोर से बोलिए। ई का साउंड, ई की तरह साउंड करता है, ठीक है।
तो अब कॉन्सोनेंट को, सारे कॉन्सोनेंट को, 21 कॉन्सोनेंट को हम फिर आई से जोड़ेंगे और उनका साउंड प्रोनाउंस करेंगे ई की तरह। चलिए ये क्या हो गया, ये ब का साउंड, ये ई का साउंड, ये हो गया बी, स का साउंड, ई का साउंड, सी, डी, फी। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, आ गया ना? हाँ, इसी तरीके से प्रोनाउंस करना है, फिर हम बाकी बाकी जो हमारे कॉन्सोनेंट है उसको भी प्रोनाउंस करेंगे। चलिए चलिए बढ़े, बी सी डी, जोर से प्रोनाउंस करिए, धीरे धीरे नहीं, जोर से, आप जोर से प्रोनाउंस नहीं कर रहे हैं, जोर से प्रोनाउंस करिए। फी गी ही जी की ली। नी नी पी की री सी टी वी वी सी यी एंड जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वावेल की तरफ आगे बढ़ें। नेक्स्ट नेक्स्ट वावेल वावेल है ओ। ओ कैसा साउंड करता है? अ का साउंड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बॉ, ये क्या हो गया, कॉ, ये डॉ, जोर से बोलो जी, जोर से बोलो, फॉ। ठीक है फ्रेंड्स, जोर से ही बोल के प्रोनाउंस करना है, धीरे बोल के प्रोनाउंस करने से कुछ नहीं होगा। अगर आपने स्पोकन इंग्लिश करना है तो जोर से ही प्रोनाउंस करना पड़ेगा, विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके, हेजिटेट होके नहीं, संकोच करके नहीं, जोर से बोलिए, दिल खोल के बोलिए। ठीक है, चलिए इसका भी प्रैक्टिस करें। चलिए ये हो गया, ब क ड फ ग ह ज क ल म न प क र। साथ में बोलते जाइए, बोलते जाइए। मैं जल्दी हो रहा हूँ क्या? मैं जल्दी नहीं कर रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा और स्लो में पढ़ता हूँ, लेकिन जोर से प्रोनाउंस करिए, बिल्कुल जोर से, है ना? स ट व व स य ज। चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर भी रख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं, चाहे तो आप बना सकते हैं, एकदम सिंपल है, लेकिन करना ज़रूर है, बिना किए होगा नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसको प्रैक्टिस करना ही है। चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट वॉवेल इज यू। यू की भी करें, यू फ्रेंड्स, यू कैसा साउंड करता है जब सिंगल हो तो? अ का साउंड करता है, हमने देखे थे साउंड में, यू जो है अ का साउंड करता है। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये ब का साउंड, ये अ का साउंड, तो ये हो गया ब, ये क का साउंड, ये अ का साउंड क, ये ड का साउंड, ये अ का साउंड ड, ये फ का साउंड, ये अ का साउंड फ। ठीक है, आप प्रोनाउंस करिए, प्रोनाउंसिएशन में कमी मत करिए, प्रोनाउंसिएशन करेंगे तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर बड़ी दिक्कत है। प्रोनाउंस करिए, इसको जुबान से निकालना है आवाज़ को, और ज़ोर ज़ोर से निकालना है। ठीक है, चलिए इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। ब क, साथ में बोलिए, मेरे साथ साथ बोलते जाइए या मेरे पीछे बोलते जाइए, और ज़ोर ज़ोर से बोलिए, ड फ ग ह ज क ल म न प क र स ट व क्स
या ज़। ठीक है फ्रेंड्स, इसको बार बार आपको प्रैक्टिस करना है। कम से कम मैं बता देना चाहता हूँ कि इस प्रैक्टिस को कम से कम 5 से 7 दिन आपको करना ही है। प्रोनाउंसिएशन सही हो मिस्टेक ना हो तो 5 से 7 दिन आपको ये प्रैक्टिस करना ही है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। हमने आज सीखे कॉन्सोनेंट्स को वावल्स से जोड़ के उसको प्रोनाउंस करना। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे वावल्स के बाद कॉन्सोनेंट को जोड़ के उसको प्रोनाउंस करना। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।